अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि मोटरसाइकिल के अंदर कौन सी कंपनी के पार्ट्स डलवाने चाहिए जो कि आपकी बाइक में काफ़ी अच्छे टाइम तक चलें। ठीक है दोस्तों, तो आजकल आपको पता है कि होंडा के पार्ट्स जो है वो शार्ट हो रहे हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। अक्सर जो है होंडा के लोकल पार्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं। तो आप दोस्तों ने ऐसे बाइक में पार्ट डलवाने हैं कि आपका बाइक जो है वो अच्छे तरीके से चले भी और आपकी बाइक की लाइफ भी बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपने कौन सी कंपनी के पार्ट्स डलवाने हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाइक में जो आपने पार्ट्स डलवाने हैं, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट अब चल रहे हैं वो ISH है। ठीक है, ISH, और इसके अलावा जो है दोस्तों क्राउन लिफान बहुत अच्छी कंपनी जा रही है। तो इसके अलावा क्लासिक के पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें जो मलेशिया में पार्ट्स आते हैं इनके आपने पार्ट्स जो है अपने बाइक में यूज़ करने हैं। ये पार्ट्स काफ़ी अच्छे बाइक में चलते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं, इससे आपके बाइक में कोई इस तरह का मसला नहीं आता। जो आप लोकल पार्ट्स डालते हो, कोई लोकल पार्ट डालते हो, वो चलते हैं 2 महीने 1 महीना चलते हैं, उसके बाद जो है आपके पार्ट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टायर ट्यूब का भी अक्सर दोस्त पूछते हैं, तो टायर ट्यूब जो है सर्विस का बहुत बेस्ट चल रहा है। सर्विस का टायर ट्यूब आप अपनी बाइक में यूज़ करें, वो काफ़ी टाइम तक चलता है। और जो स्पेयर पार्ट है मैंने आपको बता दिया है, ISH, क्राउन लिफान और क्लासिक, और जो मलेशिया में कंपनीज आती हैं इनमें काफ़ी अच्छे बाइक्स के पार्ट होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन ये कंपनियों के रेट भी मुनासिब होते हैं और इनकी चीज़ भी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इन कंपनियों के पार्ट्स अपनी बाइक में यूज़ करने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।